हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। तो दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज थर्ड है, पहले दो मैं डाल चुका हूँ और आजकल जो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं थोड़ा बेसिक नेचर के हैं जो हमें आने ही चाहिए। इनको ना आने से आपके बेसिक चीज़ें गलत हो सकती हैं एग्ज़ाम में, तो ये हमें आने ही चाहिए। तो उसी स्तर के ये क्वेश्चन हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन है इसमें, तो आप इनको देखिए और देखिए अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की अवधारणा को लेने प्रस्तुत नहीं किसने प्रस्तुत किया होना चाहिए। यहाँ लेने नहीं, यहाँ पे होना चाहिए किसने प्रस्तुत किया, किसने सॉरी नहीं कब प्रस्तुत किया, को कब प्रस्तुत किया। तो है 1902, 1909, 1905, 1922। तो इसका आंसर है खा 1909। दूसरा प्रश्न है, समूह जो द्वितीयक हैं प्राथमिक नहीं हैं, समूह जो द्वितीयक हैं प्राथमिक नहीं है, अवधारणा है किसकी, का होमंस की, ख आगबर्न की, गा विरस्टीर की, घा कूले की। तो ये है आपकी विरस्टीड की, यानी कि इसका आंसर है दो का आंसर होगा गा विरस्टीड। अब तीसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को व्यवस्थित समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र तथा ऐतिहासिक समाजशास्त्र में किसने विभाजित किया है। ऑप्शंस हैं का दुर्खीम, खा गिंसबर्ग, ग मैनहीम, घ सिमेल। तो चार आंसर हैं, तो इसका आंसर है आपका मैनहीम, यानी कि गा, इसका आंसर आपका है गा मैनहीम। चौथा प्रश्न है, प्रजाति एक प्राणिशास्त्रीय समूह है जो कि शारीरिक लक्षणों का विशिष्ट योगदान करता है। परिभाषा है ये किसकी, प्रजाति एक प्राणिशास्त्रीय समूह है जो कि शारीरिक लक्षणों का विशिष्ट योग धारण करता है। विशिष्ट योग दोस्तों दान नहीं, योग यहाँ पे धारण करता है। आज मिस्टेक ज़्यादा है टाइपिंग में क्योंकि कुछ मेरी तबीयत सही नहीं है थोड़ा तभी। तो विशिष्ट योग धारण करता है, तो ये परिभाषा किसकी है, का हाबेल की, ख मजूमदार की, ग हर्डलिका की, घ मैलनोवस्की की। तो ये है आपकी मजूमदार की। खा प्रजाति एक प्राणिशास्त्रीय समूह है जो कि शारीरिक लक्षणों का विशिष्ट योग धारण करती है, मजूमदार की है ये। पांचवा प्रश्न है, किसने श्रोता समूह को संस्थात्मक भीड़ कहा, का रोज, खा मैकाइवर, ग किम्बल यंग, ग घ डेविस। तो इसका आंसर है आपका किम्बल यंग, यानी कि गा किम्बल यंग है इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समनर ने फोकवेज कृति कब लिखी। ये तो मालूम है, सबको मालूम है कि समनर ने फोकवेज लिखी है, लेकिन कब लिखी, का 1902, ख 1990, ग 1906, घ 1922। तो इसका आंसर है ग 1906। दोस्तों ज़्यादातर ऑप्शन गा ही ज़्यादा सही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के रखा, वो बाय चांस वहीं पे ऐसा ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट है, रोगी भूमिका अवधारणा किसकी है, का मर्टन की, ख पार्सन्स की, ग लिंटन की, घ हाइमन की। तो ये इसका आंसर है ख पार्सन्स की। आठवां प्रश्न है, समाजीकरण के तीन पहलू
सावयव व्यक्ति तथा समाज पर किसने प्रकाश डाला? का ब्रूम व सेल्जनिक, ख स्टीवर्ट एवं गिलिन, ग मीड, घ फ्रायड। तो इसका आंसर है का, ब्रूम व सेल्जनिक। 9th क्वेश्चन है, किसने कहा कि परिहार का व्यवहार परिवार की शांति के लिए किया जाता है? का फ्रायड, ख फ्रेजर, ग टर्नी हाई, घ टाइलर। तो इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है गा, इसका आंसर है आपका गा, टर्नी हाई। ज़्यादातर देखो दोस्तों गा ही सही हो रहे हैं, टर्नी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है, ये किसका कथन है? का मैकाइवर का, ख रोनाल्ड का, ग गिडिंग्स का, घ लैंडिस का। तो इसका आंसर भी है गा, ज़्यादातर गा ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, ये बाय चांस ऐसा हो रहा है ग गिडिंग्स का। समाजशास्त्र एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है, तो ये गिडिंग्स का है। 11वां प्रश्न, जो हम हैं वह हमारी संस्कृति है, हम जिनका प्रयोग करते हैं वह हमारी सभ्यता, यह किसका कथन है? का मैकाइवर का, ख रॉबर्ट वीरस्टीड का, ग किंग्सले डेविस का, घ इमाइल दुर्खीम का। तो इसका आंसर है का, मैकाइवर का है ये। 12वां प्रश्न है, बस्तर के मुरिया जनजाति का अध्ययन किसने किया? तो बस्तर की मुरिया जनजाति का अध्ययन किसने किया? इसके चार ऑप्शन हैं, देखिए, एस सी दुबे, ख मजूमदार, घ वेरियर एल्विन, ग मेंडलबाम और घ ओ सॉरी फिर से पढ़ देता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। बस्तर के मुरिया जनजाति का अध्ययन किसने किया? का एस सी दुबे, ख मजूमदार, घ घुरिये और घ वेरियर एल्विन। तो आप बताइए, चार हैं इसमें ऑप्शन, तो ये किसने किया है? मुरिया और बैगा जनजाति का अध्ययन किया था किसने? बस्तर की। इसको किया था आपके वेरियर एल्विन ने। घा, घा ऑप्शन पहली बार आ रहा है। वेरियर एल्विन ने बस्तर की मुरिया और बैगा जनजाति का अध्ययन किया था। 13वां प्रश्न है, भारतीय गांव के अध्ययन में वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का अनुसरण किसने किया है? बहुत ये क्वेश्चन आता है, भारतीय गांवों के अध्ययन में वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का अनुसरण किसने किया? का है आंद्रे बितई, खा है श्रीनिवास, गा है मंडलबाम, घा है रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका आंसर है आंद्रे बितई, यानी कि का, आंद्रे बितई ने वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का अनुसरण किया भारतीय गांवों के अध्ययन के लिए। 14वां प्रश्न है, मनुष्य स्वभाव एवं आवश्यकतावश एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? का गांधी का, ख अरस्तु का, ग रूसो का और घ कौटिल्य का। तो ये मनुष्य स्वभाव में आवश्यकतावश एक सामाजिक प्राणी है, इसका आंसर है आपका ख, अरस्तु का है ये। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट, जनमत लाखों तारों वाली वीणा है जिसको
सभी दिशाओं से आने वाली हवाएं छेड़ती हैं, छोड़ती हैं नहीं दोस्तों, छेड़ती हैं, यहाँ पे होना चाहिए, आज ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, छेड़ती हैं। का आस्कर, खा मैकाइवर, गा इस्मालर, घा एससी दुबे। तो इसका भी आंसर है आपका गा इस्मालर ने। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो आज मिस्टेक हो रही है, थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं इसलिए, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो कंटिन्यू रहे इसलिए ज़रूरी समझा डालना। थैंक यू फ्रेंड्स।